नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और लेकर हाजिर हूं 11 स्पेशल। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है, कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर फैसला करें कि क्या कोरोना की चेन को वो तोड़ पाने में सक्षम है जो मौजूदा व्यवस्था वो कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लॉकडाउन करें, यानी कि लॉकडाउन की जरूरत पर बल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसलिए हम न्यूज़ीलैंड स्पेशल में आज यही बात करेंगे कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है या फिर जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं वो काफी हैं और उनकी वजह से फायदा हो रहा है। दरअसल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन पर आप लोग विचार करें, मिलकर यह तय करें कि क्या करना है। लेकिन केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। अस्पतालों की हकीकत देख सुप्रीम कोर्ट का आदेश जायज है। इलाज के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने सहयोगियों के जरिए जानेंगे कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का ये जो गाइडलाइन आ रहा है या एक निर्देश आ रहा है वो कितना जरूरत है और कितना सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा, झारखंड में कम हो रहा कोरोना संक्रमण। शनिवार की तुलना में रविवार को कम मिले संक्रमित। रविवार को 4738 कोरोना संक्रमित मिले। शनिवार को 6323 कोरोना संक्रमित मिले। रविवार को कोरोना से 115 लोगों की मौत। शनिवार को कोरोना से 159 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दावा किया है कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने लगी है, कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800, महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। आंकड़ों में कोरोना जरूर कमजोर हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वो लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और इस मुद्दे को लेकर हम अपने सहयोगियों से सीधा जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन तो आ गया है, लेकिन हमारी राज्य सरकारों का क्या मानना है कि हमारी झारखंड सरकार इसको लेकर क्या सोचती है और साथ ही आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग जो सोचते हैं शायद सरकारों को वही करना चाहिए, ये बात तो सच है, क्योंकि जनता की जो गुहार होती है, ठीक है हम कह सकते हैं कि जनता एक्सपर्ट नहीं है, सरकारों के पास एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए और एक आप कहें कि एक प्रयोग के तौर पर उन चीजों को किया जा सकता है फिर भी। लेकिन जो भी होगा, हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान, जो संकेत सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं कि आप एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की ओर विचार करें और इसको लेकर आपस में बातचीत करें, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें बातचीत करें, तो क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो हमारे राज्य में जो व्यवस्था पहले से मौजूद है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की, जिसमें हम करीब करीब आधे दिन तक हम लॉकडाउन रहते हैं, मिनी लॉकडाउन किसे कह सकते हैं, क्या उसका फायदा नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे गाइडलाइंस देने की जरूरत पड़ रही है? हेलो,
देखिए, आज जो जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान कई बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की गई थी। इसी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को के साथ साथ केंद्र सरकार से भी ये विचार करने के लिए कहा गया कि कहीं ना कहीं जो स्थिति देश में बन रही है, 3.5 लाख से 4 लाख प्रत्येक दिन देश भर में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहीं मृत्यु दर में भी जो स्थिति है वो लगातार इसी तरह की बनी हुई है। इन तमाम चीजों पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद ये सोचा जा रहा है कि अगर राज्य में या फिर देश में अगर मिनी लॉकडाउन को लेकर के या 10 से 15 दिनों का लॉकडाउन को लेकर के, चूंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस चेन को तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन पर विचार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लॉकडाउन अगर किए जाते हैं तो किन किन बातों को हम ऐसे ध्यान रखें कि जिनसे जो वैसे तबके के लोग शायद लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन लोगों को कैसे कम से कम इन सारी चीजों को नुकसान हो, इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रही बात झारखंड की, तो झारखंड में अगर हम पिछले 10 दिनों के जो आंकड़े देखेंगे तो प्रत्येक दिन जो है वो आंकड़े जो है वो लगभग 2000 केसेस प्रत्येक दिन आ रहे हैं सिर्फ रांची से। और रांची से की अगर पिछले 3 दिनों के आंकड़े को अगर हम देखें तो कल का जो आंकड़ा था वो तकरीबन 1000 से नीचे था, 900 से कुछ थे, और उसके बाद 1300 और फिर 1400 और फिर 1500, मतलब ये 3-4 दिनों के आंकड़े हैं। तो मतलब जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उससे कुछ हद तक कुछ चीजों पर कंट्रोल हुई है, जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, मामूली गिरावट हुई है। जमशेदपुर में जहां 22% जो है वो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, तो वहीं रांची में 20% के आसपास में है। तो ये हमारे राज्य के रांची के जो डीसी है छवि रंजन से भी हमारे जब बातचीत हो रही थी तो उनका भी ये पूरा मानना है कि कुछ दिनों से आंकड़ों में जरूर कुछ कमियां आई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये एक सप्ताह का है। अगर इस सप्ताह के बीच में अगर ये आंकड़े का ट्रेड इसी तरह से डाउनफॉल रहता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा जो है यहाँ के लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो हॉस्पिटल्स में आज बेड नहीं है, ऑक्सीजन की जो कमियां हैं, इन सारी चीजों पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन जो क्रूशल जो टाइम है वो कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स की जो टीमें कह रही हैं कि मई का ये जो महीना है ये महीना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में 1 तारीख से लेकर के ये 10 से 12 तारीख तक की जो समय सीमा है, इस दौरान अगर कोरोना के चेन को हम अगर तोड़ने में कामयाब होते हैं, उसके प्रभाव को रोकने में कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के संक्रमण के जिस तरह से मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं इसको रोका जा सकता है। तो केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों तक ये सारी चीजों पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से इन सारे चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। लॉकडाउन एक उपाय है, पहले भी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकारों ने लॉकडाउन कर करके जो पहले लहर थी उन पहले लहरों को रोकने का काम किया था, बड़े बड़े जो बड़े जो लहर उस वक्त उठ रही थी, जो चीजें थी उस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन देश ने देखा था, उसके बाद उसके जो भी परिणाम हुए थे, लेकिन एक परिणाम एक अच्छा हुआ था कि कोरोना के जो संक्रमण थे उसमें बेहद कमियां आई थी। लॉकडाउन देश की तरफ से सोचा जा रहा है कि अगर 15 दिनों का लॉकडाउन अगर देश में किया जाते हैं तो क्या कुछ होता है। बिल्कुल, इस नए स्ट्रेन को अगर देखें तो वास्तव में 2020 को हम तो यही मानकर चल रहे थे कि हम एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहे हैं, और 2020 हम सबका बहुत ही खराब गया है, बहुत ही एक बुरे शब्द की तरह गया। लेकिन 2021 को देखें तो 2020 का वो आंकड़ा कुछ भी नहीं था बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आसपास तमाम लोगों को इसी तरह संक्रमित होते देख रहे हैं, अपने आसपास से दूर जाते आप देख रहे हैं। बिल्कुल इमरान सही कहा आपने, 2020 में ठीक है हम लॉकडाउन जैसे बहुत बड़ी विपत्ति से जूझे थे जिसमें तमाम लोगों को दिक्कतें हुई थी, खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हुई थी, लेकिन 2021 जो है इसका आंकड़ा तो बहुत ही भयावह होता जा रहा है। हम रुख करते हैं अब हमारे सहयोगी अमर का, और अमर से हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई, रात के वक्त सुनवाई हुई तो सोचा जा सकता है कितना अहम था, कैसे यह सब कुछ हुआ अमर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को बहुत पहले से देख रहा था, अचानक से रात को सुनवाई हुई, क्या कोई जनहित याचिका दाखिल की गई थी या फिर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है? फोन कट गया है, फोन कट गया। बिल्कुल अमर, हम आपसे बातचीत यहाँ पे करेंगे, तो हमारे सहयोगी अमर के साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम इमरान के पास चलते हैं और इमरान से जानते हैं, अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार फिर से अमर से हम वही सवाल दोहराते हैं। अमर, आमतौर पे जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों को लेकर सामने आता है तो
तो बहुत उसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी बहुत ही मायने रखती है इस पूरे देश के लिए। तब उस ऐसा वक्त होता है कि तब सरकारें भी सरकारों से ऊपर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट उस दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो हुई है मध्य रात्रि को रात में हुई है, ये स्वतः संज्ञान पे था या फिर कोई याचिका, कैसे ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत कैसे आई? चलिए अब एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं इमरान का। अमर से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है कुछ तकनीकी की वजह से। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अमर से हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन अमर से हमारा संपर्क बार बार टूट जा रहा है। तो हम फिलहाल एक बार फिर से जुड़ते हैं इमरान से। इमरान, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला ये आया है, उसके बाद अब कल एक बात ये सामने आ रही है कि हेमंत सरकार में कल बहुत सारे विभागों की समीक्षा बैठक होगी, प्रगति रिपोर्ट होगी, तो क्या हम इसे संकेत मानकर चले कि पहले एक बार मुख्यमंत्री बहुत दिनों से जो पेंडिंग पड़े थे काम, उनको निपटा के, तमाम विभागों का काम निपटा के, शायद इस पर भी हमारी सरकार कुछ ऐसा विचार कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी आया हुआ है ये। देखिए, बिल्कुल इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो स्थिति बन रही है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली की हालत को देखें, हम मुंबई को देखें, झारखंड को देखें, बिहार को देखें, या आसपास के दूसरे देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, लगातार इन तमाम राज्यों में जो है वो संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं। तो ऐसे में अगर अपनी झारखंड की अगर हम बात करें, तो झारखंड के जब मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं सभी विभागवार, तो वो भी देखा जाएगा कि कामकाज में सारे कुछ प्रभावित ना हो और सभी कुछ को स्मूथ रखते हुए जो है राज्य को आगे बढ़ाते जाए। चूंकि लॉकडाउन और लॉकडाउन सर कोरोना संक्रमण की वजह से कई जो चीजें हैं वो एक तरह से थम सी गई है, रुक सी गई है, तो उन तमाम चीजों को एक गति देने के लिए मुख्यमंत्री जहां समीक्षा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि अब जो दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो दिन था वो अब लगभग अंतिम पायदान पे है, वो अब समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में उनसे पहले लगातार इन सारी चीजों पर भी समीक्षा की जाएगी। क्या दूसरे जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया था तो उनसे कितना फायदा हुआ है राज्य को, क्या संक्रमण के मामले घटे हैं, अगर घटे नहीं हैं तो और क्या कुछ स्टेप उठाया जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ और अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी, उनका यह भी कहना था कि हो सकता है कि इस दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद कुछ दिनों की ढील दी जाए और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो राज्य सरकार यहां पे घोषणा कर सकती है, चूंकि संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को अगर रोकना है तो एक एक, एक, एक उपाय सिर्फ सामने के तौर से दिख रहा है, वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन अगर होता है तो लॉकडाउन की परिस्थिति में किन किन चीजों को छूट दी जाए और किस तरह से लोगों को बेहतरी को सोचते हुए ये सारी चीजों पर विचार किया जाए, क्योंकि अभी तो हम 2 बजे के बाद से सारी गतिविधियों को रोक रहे हैं, लेकिन अभी भी कई गतिविधियां जो है वो चालू है, चाहे इंटर स्टेट बसें हो, ट्रेन का परिचालन हो, या फिर दूसरे व्यवसायिक हो जिसमें दवा दुकान और दूसरे सभी शामिल हैं, उन तमाम जगहों पर एक चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ गतिविधियां अभी भी शामिल है, अभी भी रोड पर जो है वो चहलकदमी दिखाई देती है। हालांकि सड़कों पर पुलिस के द्वारा रोक टोक होती है, पूछताछ होती है, पूछताछ के क्रम में अगर संतोषजनक जवाब नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सबके बीच अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो किन को सबसे बड़ी इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, क्या रोजमर्रा के जो कामकाज करने वाले मजदूर हैं उनको कितना इससे प्रभावित होंगे, अगर वो प्रभावित होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ पैकेज होगा, इन सारी चीजों पर एक मंथन की जरूरत है। जैसे पूरा मंथन हो जाएगा उसके बाद एक कंक्रीट कह सकते हैं कि फिर किसी भी राज्य सरकार हो, चाहे झारखंड हो या दूसरे हो, तभी संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और देर रात्रि सुनवाई करते हुए सारी चीजों को दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि काफी गंभीर मामले पर लगातार निगाह है
सुप्रीम कोर्ट भी बनाई हुई है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के लगातार संज्ञान ले रहे हैं। झारखंड के बारे में भी काफी चर्चाएं हुई कि वहां पर लगातार पॉजिटिव केसेस के मामले जो आ रहे थे, हालांकि कुछ मामलों में कमियां भी आई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो जो मौत के जो आंकड़े हैं वो जो एक्चुअल मामले सरकारी आंकड़े होते हैं उनसे कई ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई मौतें जो है वो घर पर रहने से ही अचानक से हो जा रहे हैं, उनका कोविड टेस्ट नहीं हो पाया था या वो कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे थे, इस वजह से उसकी मौतें हो गई हैं। तो आज भी शमशान और कब्रिस्तान की अगर तरफ हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आज भी जो हलचले हैं वो उसी तरह है जो कुछ दिन पहले होते थे। हाँ, थोड़ी सी पैनिक स्थिति थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पैनिक स्थिति शहर भर में आपको देखने को मिल रही थी कि बेड नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, इसमें थोड़ी सी संभलने का मौका मिला है लोगों को। काफी हद तक जो राज्य सरकार ने सारी चीजों को स्मूथ किया है, ऑक्सीजन को लेकर के लगातार जिला प्रशासन पैनी नजर रखी हुई है, राज्य सरकार लगातार सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है, ऑक्सीजन को लेकर के कई जो विभाग है जो विंग है उनको तैनात किया गया है ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौतें ना हो। वहीं अगर कोविड के संक्रमण को लेकर के क्या है तो सड़कों पर से लेकर के दफ्तर तक राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन किए हैं और गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे निर्देश नहीं दिया है, निर्देशित नहीं किया, बल्कि कहा कि विचार करें, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर आपस में तय करें कि क्या सही है और क्या होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन की जिस परिस्थिति को हम लोगों ने देखा हुआ साल 2020 में, वो स्थिति भी बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी थी और 2021 की स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही, तो ऐसे में एक बीच का रास्ता में निकालना पड़ेगा। हम रुख करते हैं सीधे हमारे सहयोगी अमर सिंह का, दिल्ली का, और उनसे जानते हैं। अमर, जो सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला पहुंचा, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे कि ये मामला पहुंचा कैसे, थोड़ी सी आप उसके बारे में जानकारी देते हुए बताएं कि कैसे मामला पहुंचा, स्वतः संज्ञान था या जनहित याचिका था, और कैसे इसकी सुनवाई मध्य रात्रि को हुई, कैसे सब कुछ हुआ, जरा सा जानेंगे पहले आपसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो समस्या, देश की समस्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपस में तालमेल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। रात के 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं डिसीजन लिया है, उनका स्वयं का संज्ञान है और उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर कहा है कि आप जो है या तो राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है दोनों मिल करके लॉकडाउन जो है क्यों नहीं अपनाते हैं और इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता है। आपको सबसे पहली बड़ी बात है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं उसकी अगर गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में 3,92,000 केसेस हैं, जो एक बिग शॉट कर सकते हैं कि, और उसके बाद अगर हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे तो हर ओर जो है, क्योंकि आप रांची में हैं, अगर दिल्ली की स्थिति और भी राज्यों की स्थिति आपके सामने है, अगर आप देखेंगे तो हर ओर से जो है चीख रोने की आवाज़ आती है और आप इसको देख करके आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ना तो बेड है ना तो ऑक्सीजन है। हर रोज जो है राज्य सरकार या केजरीवाल सरकार जो है लोगों से गुहार कर रहा है, सरकार से गुहार मांग रहा है। आज वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमें सेना की मदद लेनी चाहिए और हमें सेना की मदद दी जाए। उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा है राजनाथ सिंह को, जो मंत्री डिफेंस के जो मंत्री हैं उनको, कि भाई हमारी व्यवस्था की जाए और सेना को उतारा जाए। और सरकार पहले भी ये कह रही है कि कोर्ट पहले भी ये कह रही है कि आप जो है सेना का मदद लीजिए, क्योंकि जो स्थिति है इसको संभालने के लिए सेना को बुलाइए या फिर जो तरीका अपनाया जाए उस तरीकों को अपनाइए। तीन बातें जो सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट ने रात 11 बजे उन्होंने कहा है कि सबसे पहले लॉकडाउन के ऊपर आप विचार कीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बारे में उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन होने के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो मजदूरों की होती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उन मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज रात्रि तक पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाने, यानी 3 मई को ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाने चाहिए। ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन के वजह से किसी मरीज का, किसी व्यक्ति का मौत हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक गाइडलाइन तैयार किया जाए ताकि जो भी मजदूर जहां भी हैं, जिस राज्य में हैं, उनका इलाज किया जाए और उनसे ये नहीं पूछा जाए कि आप इस राज्य के नहीं हैं इस वजह से आपका इलाज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा पूछते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको लेकर के एक सप्ताह के अंदर सरकार एक गाइडलाइन तैयार करे, जो गाइडलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए मान्य होगा और मानना चाहिए राज्य सरकार को। अब सवाल उठता है कि आप देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि आज खुद
प्रधानमंत्री ने जो फ्रंट लाइनर हैं या कोरोना वायरस से हैं और उन तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की है, डॉक्टरों से बातचीत की है और उन्होंने तय किया है कि जो मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको जो है इस लड़ाई में उनको लाया जाए और इस मुहिम में शामिल किया जाए। उनको प्रलोभन भी दिया गया है कि जो लोग इसमें काम करेंगे उनके लिए सरकारी नौकरी में जो है एक व्यवस्था की जाएगी और उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अवार्ड से भी नवाजा जाएगा जो आपने समाज सेवा किया है इसको लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको जल्द उतारा जाए, यानी कि आज उतार दें या कल उतार दें, जितने भी मेडिकल के छात्र हैं सबको आप लगाइए इस मुहिम में ताकि लोगों को जान बचाया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो आ चुके हैं, हार जीत जिसकी होनी थी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो जीत और लड़ाई जो है वो ये है कि कोरोना को किस तरह से हराना है और केंद्र सरकार लगातार इस पर विचार कर रही है। अगर लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पाँच जो बड़े शहर हैं उसमें हाईकोर्ट ने कोरोना के लिए लॉकडाउन करने की उन्होंने आदेश पारित किया था। अब ये कहा जा रहा है कि इस पर विचार की जा रही है, अब देखना यह है कि इस चैन को तोड़ने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। बिल्कुल अमर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और उन बिंदुओं को रखा जिस पर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस गाइडलाइंस को निर्देशित कर रखा था, यानी कि जिस पर कहा कि इन तीन बिंदुओं के आधार पर ही हमें आगे की रणनीति बनानी होगी। हालांकि कहा कि आप विचार करें, ये कोई आदेश इसे आप ना माने, कोई फैसला ना माने, तो निश्चित तौर पर अब ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि उनकी व्यवस्थाएं अगर लग रहा है कि वो ठीक है तो वो चलाएं, और उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है या व्यवस्थाएं जो है वो लचर पड़ जा रही है, व्यवस्थाओं का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में लॉकडाउन भी आप लगा सकते। तो एक तरह से एक निर्देश जरूर दिया है लेकिन ये फैसला नहीं है, ये आदेश नहीं था। रुक करते हमारे सहयोग इमरान का। इमरान, तो हम तो लगातार झारखंड में हमने देखा 2020 में, अगर झारखंड की ही बात कर लेते हैं हम, तो 2020 में जो स्थिति थी वो तो छुपी है नहीं किसी से, आपने भी देखा हमने भी देखा कि लॉकडाउन होने के बाद स्थिति क्या होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जब लॉकडाउन जैसी बात सामने आएगी तो जो सरकारी मशीनरी है वो लोगों तक खाना पहुंचाने में या बाकी जरूरतों को पहुंचाने में लग जाएगी और उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा एक तरीके से, जो फिलहाल कोरोना के मरीजों को सुविधाएं देने के लिए या व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में लग रहा है उसे थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, तो झारखंड के एस्पेक्ट में देखें, झारखंड के प्रदेश में देखें, तो क्या ये बातें क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे हम एक तरफ से दूसरी तरफ? देखिए बिल्कुल होता है ये कि क्योंकि अभी जो सीधे फोकस अगर हम कहें राज्य सरकार का तो वो हेल्थ सेक्टर में है कि किस तरह से जो लोग पहुंच रहे, जो संक्रमित पहुंच रहे हैं उनको किस तरह से हम बेहतर सुविधा दे सके, उनसे किस तरह से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, किस तरह से उसे दवाइयां पहुंचा सके, होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनको हम सुविधा कैसे दे पाए। लेकिन अगर जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति होती है और लॉकडाउन अगर की जाती है तो इसके बाद दोहरी जो चुनौती होगी राज्य सरकार की कि एक तरफ जहां आपके वैसे संक्रमित मरीज हैं जो शायद पिछले साल ये सारी चीजें नहीं थी, वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनके इलाज में एक तरफ ध्यान देना है, तो दूसरी तरफ वैसे लोग होंगे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके घर पे अनाज नहीं है, उनके घर पे कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को खोज करके उस तक अनाज पहुंचाना, उस तक खाना पहुंचाना, उसकी जीविका के लिए सोचना एक दोहरी चुनौती होगी। इन सारी चीजों पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत होगी राज्य सरकारों के तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को, राज्य मुख्यमंत्री को, तभी जाकर के ये लॉकडाउन जैसे सिचुएशन को हम देख सकते हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान इतनी संख्या में आपको मरीज नहीं निकल रहे थे और नहीं इतने गंभीर संक्रमित लोग मिल रहे थे, पॉजिटिव जो केसेस में मिल भी रहे थे तो वो बिना सिम्टोमेटिक थे, उनका कोई सिम्टम भी नहीं था, वो आराम से आइसोलेशन सेंटर में खिलगांव में रहते थे, उनको वहां पर खाना भी मिलता था, सारी सुविधाएं मिलती थी, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं थी, मौत के जो दर थे, जो आंकड़े थे वो बेहद कम था, तो ज्यादा पैनिक की स्थिति भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है कि मौत के दर में भी काफी आपको आंकड़े जो है वो काफी बढ़ी हुई है, संक्रमण के मामले बढ़े हुए हैं, गंभीर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या भी अधिक है, ऐसे में इसकी जान बचाना और दूसरी तरफ वैसे लोगों को जान बचाने की कोशिश करना जो कि भूख और प्यास से भी जिनकी जाने जा सकती है, तो एक दोहरी चुनौती होगी। इसलिए लॉकडाउन की तरफ कोई भी सरकारें बहुत सोच समझ के बढ़ेगी, क्योंकि अगर
झारखंड के परिवेश में बात करें तो पिछले वर्ष जब ये सारी चीजें झारखंड ने काफी करीब से देखा कि उसके बाद दुष्परिणाम क्या हुए, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक हालात में हो या फिर दूसरे चीजों में हो, काफी पिछड़ गए थे, काफी कमजोर हो गया था। राज्य के पास फंड भी उतना नहीं मौजूद नहीं था क्योंकि लॉकडाउन की मार देश ने झेला था, तमाम लोगों ने झेला था। ऐसे में लॉकडाउन एक अंतिम कड़ी मानेंगे हम इस तरह के कदमों को उठाने के लिए। अगर लॉकडाउन फिर भी अगर राज्य में अगर होती है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत सारे सेक्टर्स को हम हो सकता है कि छूट दे दिए जाए, हो सकता है कि अब सड़कों पर आपकी मूवमेंट ना हो, जिन कार्यालय या जिन संस्थान को आप खोलने की इजाजत अगर आप देंगे तो उसे कहा जाएगा कि आप अपनी संस्थान पर ही इंप्लॉयज को रखते हुए सारे सुविधाएं देते हुए आप अपने संस्थान को चालू करा सकते हैं, चला सकते हैं। जो कि पूर्व में भी लॉकडाउन वन के टाइम में भी ये सारी चीजें जब अनलॉक हो रही थी तो ये सारी चीजें व्यवस्था दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी, खोलने की जब इजाजत दिया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि अपने इंप्लॉयज को आप अपने कारखाने के आसपास ही रखें और कम से कम ट्रैवल करने की कोशिश करवाएं और उसे उस कारखाने को खोलने की इजाजत दी गई थी। तो कई चीजें हैं जिस पर विचार गंभीरता से करनी होगी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। आज कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है हम उसमें भी अगर हम चर्चा करें तो तमाम जो किसान भाई हैं वो परेशान है क्योंकि उसकी मंडियों तक वो सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही है, नहीं सब्जियां, नहीं दाम मिल पा रहा है। बिल्कुल, ये तो सिर्फ मिनी लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा हो रहा है और सोचिए जब संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो उन किसानों की स्थिति क्या होगी जो हम तक भोजन पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर वो सबसे आखिरी फैसला होना चाहिए लॉकडाउन का, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी जब बहुत सी आवश्यक चीजें जब निकलती हैं या चलते रहती हैं या सुचारू रहती है, 2 घंटे के लिए सही, 3 घंटे के लिए सही, तब भी संक्रमण का खतरा उतना ही बड़ा रहता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अभी जीवन और जीविका जिस पर सरकार का फोकस है, सरकार उसी के अनुसार हमारे यहाँ पर चले और साथ ही साथ कोरोना के जो सुपर स्प्रेडर हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि खबर ये भी आती है कि लगातार संक्रमित जो लोग हैं वो अन्य राज्यों से हमारे यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका टेस्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक एस्पेक्ट ये भी माना जा रहा है संक्रमण के बढ़ने का, क्योंकि टेस्ट को हम बढ़ा नहीं पा रहे, चाह कर भी नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि मैन पावर की कमी, ये बात तो केंद्र सरकार तक मानती है। तो फिर तो हम झारखंड जैसे छोटे राज्य की सरकार की हम बात ही क्या कर लें। तो लगातार बढ़ते संक्रमण का एक बड़ा कारण बाहरी राज्यों से पहुंच रहे यात्री भी हैं। दरअसल लगभग 45 दिनों की हम बात कर लें तो 50,000 से भी ज्यादा लोग झारखंड पहुंचे हैं। वहीं जांच की बात कर लें तो सिर्फ 20,000 लोगों की ही जांच हो पाई है। ऐसे में जरूरी है कि जांच के साथ साथ सरकार सख्ती बढ़ाए ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्यों हम इन्हें सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं। झारखंड में कंट्रोल में नहीं हो रहा कोरोना, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी होते जा रहा बेअसर, प्रवासी लोग बढ़ा रहे झारखंड में कोरोना। पिछले 45 दिनों में करीब 60,000 प्रवासी पहुंचे, 25% प्रवासियों का ही हुआ कोरोना टेस्ट। सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं ये प्रवासी, एयरपोर्ट और स्टेशन पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही, मैन पावर और जांच किट की कमी का रोना रो रहे अधिकारी। सूबे में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसका एक मुख्य कारण बाहरी राज्यों से पहुंच रहे यात्री भी है। यहाँ पिछले 45 दिनों में लगभग 60,000 यात्री दिल्ली मुंबई जैसे राज्यों से झारखंड पहुंचे हैं। वही जांच महज 25% लोगों का हुआ। एयरपोर्ट पर जहाँ 20 विमानों में 3 की जांच होती है, वही ट्रेनों की बात करें तो महज 5 बोगियों की जांच हो रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि लापरवाही कहाँ पर है। देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, वहाँ पर खटिया में जिला प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग का अरेंजमेंट किया गया है और रैंडम तरीके से टेस्टिंग किया जा रहा है। हमारी तरफ से जो भी कॉपरेशन का ये रह रहा है, हम लोग पूरी तरह से समन्वय के साथ बनाए हुए हैं और कॉपरेशन कर रहे हैं। ये अभी तो मई एंड तक इनका चलने का और अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मई एंड तक है कुछ ट्रेनों का चलने का, तो स्पेशल ट्रेन आएंगे। उसके अलावा जो नॉर्मल स्पेशल ट्रेन है 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेन ऑलरेडी रांची डिवीजन में चल रही है। जो महाराष्ट्र डायरेक्शन से ट्रेन आती है उसमें करीब 1200 से 1500 यात्री, वो तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन, 1200 से 1500 तक यात्री जो है इन ट्रेनों में आ रहे हैं। वही हम गौर करें तो पिछले वर्ष हम कोरोना से निपटने में इसलिए कामयाब हो पाए थे क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर जागरूकता और सतर्कता बढ़ती जा रही थी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को सीधे क्वारंटीन किया जा रहा था और ग्रामीण जांच पर भी जोर देते नजर आए थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से पहुंचे यात्री सीधे गांव और शहरों में प्रवेश कर रहे हैं और वो सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं।
में जांच ना होने के लिए अधिकारी मैन पावर और जांच किट की कमी का रोना रो रहे हैं। कम से कम 17-18 टीम वहाँ काम कर रहा रेलवे में, और अगर हम लोग मैन पावर बढ़ेगा तो हम लोग धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। मैन पावर और हमको जरूरत होगा तो हम लोग लेंगे, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, चाहे स्टाफ को ले रहे हैं, काफी स्टाफ हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो इसके चलते कई बार कमी ज्यादा हो जाता है। बढ़ते संक्रमण के पीछे सुपर स्पीडर भी एक बड़ा कारण है, जो अन्य राज्यों से पहुंचकर शहरी समेत ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे समझिए कि जहां ट्रेनों से लगभग 35,000 और हवाई जहाज से लगभग 20,000 लोग पीछे डेढ़ महीने में आए हैं और उनमें से अधिकतर की जांच नहीं हो पाई है, ऐसे में राज्य सरकार को समझना चाहिए कि इन लोगों की जांच से ही कहीं ना कहीं इस दायरे को, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार या तो उनके गंतव्य ग्रामीण इलाकों में उनकी जांच सुनिश्चित की जाए, या फिर जब वो यात्रा करके स्टेशन या हवाई जहाज के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी जांच की जाए, तभी कहीं ना कहीं हम इस महामारी से निपट पाएंगे, नहीं तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जो सरकार देख ही रही है। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। बिल्कुल, एक बड़ा खतरा ये सुपर स्प्रेडर ही है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जो व्यवस्था है उसी का हाथ है, सिस्टम का हाथ है, क्योंकि लोग इतने दूर से जब यात्रा करके आते हैं तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए, तो ऐसे में जो टेस्ट की जो गति है वो बढ़ाई जानी चाहिए, कि जांच की जो गति है वो बढ़े, ताकि बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े लोगों को। जब इंतजार करते हैं तो वो झल्ला कर बिना जांच कराए चले जाते हैं अपने अपने घर और फिर नतीजा सामने आ जाता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, हमारे तमाम जो सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे और इन खबरों से जुड़े हर पहलू को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। तो संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी है या नहीं है यह तय करना है सरकारों को, और यह निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है, क्योंकि पिछले साल हम तमाम लोगों ने इस लॉकडाउन का अनुभव लिया है और याद होगा तमाम लोगों को, और इसलिए सरकारों पर ही छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव नहीं है, कोई आदेश नहीं, कोई फैसला नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि दोनों जो पक्ष हैं यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर तय करें कि क्या फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं या नहीं है, और इसी पर हम लगातार अपने चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान एक दूसरा पहलू भी आया हमारे सामने और वो था संक्रमण बढ़ने के पीछे की कारण का था, वो संक्रमण बढ़ने के पीछे का कारण था स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर है, जबकि इसी पर सबसे ज्यादा सब कुछ टिका होता है, यानी कि अगर सुपर स्प्रेडर जो है यानी कि हम प्रवासी मजदूर कह ले, वो किसी दूसरे बड़े शहर में है जहां से वो अपने अपने राज्यों में आ रहे हैं, अगर वो उन्हीं शहरों में रह जाएं और वहीं पर व्यवस्था मिल जाए तो शायद संक्रमण बढ़े ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां भी एक दिक्कत आ रही है और यही वजह है कि संक्रमण बढ़ रहा है। हम फिर रुक कर लेते एक बार से इमरान का, इमरान हम लगातार उन खबरों को भी दिखा रहे हैं, बहुत प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट हो जाए या रेलवे स्टेशन हो जाए, वहां पर जो जांच होनी चाहिए, जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, वो है नहीं, जांच के लिए जो किट जाता है वो कम पड़ जाता है, और उसका नतीजा सामने आता है कि जो यात्री दूर से यात्रा करके आते हैं, थके मांदे होते हैं और झल्लाकर वो बिना जांच कराए पहुंच जाते हैं अपने जहां उन्हें जाना होता है, और यही पर संक्रमण बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बल्कि कहें कि संक्रमण बढ़ा भी ऐसे ही होगा झारखंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो झारखंड में अगर हम बात कर लें इन जगहों की, तो वजह क्या सामने आ रही है, आखिर एक तरफ सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि हम भाई इलाज कर रहे हैं, हम मरीजों के लिए ऑक्सीजन व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड बढ़ा रहे हैं, आईसीयू बढ़ा रहे हैं, तो फिर यहां पर हम कैसे चूक जा रहे हैं थोड़े से, यहां पर क्या वजह हो सकती है चूक होने की? देखिए,
देखिए, अगर हाल के दिनों में हम देखें तो जिस तरह से शहरी क्षेत्र पर जो मिनी लॉकडाउन के रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का इस्तेमाल किया गया, लागू किए गए, उसके बाद से ही शहरी क्षेत्र में भीड़ तो आपको कम नजर आ रही है, लेकिन जो दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें से लोग पहुंच रहे हैं, हम उस पर 100% जो टेस्टिंग है वो हम नहीं करा पा रहे हैं। पिछले दिनों जब पहली बार मुंबई से जब यात्रियों का एक पूरा जो ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पहुंचा था, उसमें से मात्र 400-450 लोगों की ही हम जांच करा पाए, जबकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो ही नहीं पाई। वजह बने कि वहां पर व्यवस्थित नहीं था, लोग घंटों इंतजार करना नहीं चाह रहे थे, और लास्टली जो यात्री वहां पर पहुंचे थे वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अपने अपने घर की ओर लौट गए। उसी के तरह दूसरे बार जब जो दूसरे ट्रेनों से जब लोग पहुंच रहे हैं तो हम ज्यादातर लोगों को टच नहीं कर पा रहे हैं, और एक वजह है ये भी कि हम संक्रमण को रोक नहीं पा रहे, हम संक्रमण को जो फैलाव है उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर इन तमाम लोगों को हम अगर टेस्टिंग 100% कर पाते तो शायद इनमें से अधिकतर लोगों की मुझे ये पता चल पाता कि किन इलाकों से हैं ये लोग और कहां-कहां ये लोग का जो संक्रमण है वो फैला है। पहले वेव में ये सारी चीजें होती थी, कम संक्रमित की संख्या जब सामने आ रही थी तो लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होते थे, घरों में जाकर के टेस्टिंग होती थी, मोहल्लों में स्क्रीनिंग होती थी, लेकिन ये से जस्ट ये दूसरे वेव कोरोना का आया तो ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो संक्रमण का दायरा पहले वेव में बिल्कुल इमरान ये तमाम चीजें हैं और इस पर हमें काम करना होगा। लेकिन इस बार हजारों की जो भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, चाहे वो किसी स्तर पे हो, पंचायत स्तर पर हो, रेलवे के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, उनको कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो ये बातें तो है। अब हम जरा सा यहाँ पे जान लेते हैं अमर से भी। अमर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो आने का क्रम जो चल रहा है, सिलसिला जो चल रहा है प्रवासी मजदूरों का, अपने अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, तो जो रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था फैल रही है, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि चलती ट्रेन में ही वो जांच हो जाए ताकि पैनिक होने की स्थिति ना हो? चलिए, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़े आप, और उसके बाद हम एक रिपोर्ट को आपको लेकर चलते हैं। इमरान, आपका भी शुक्रिया और अमर, आपका भी शुक्रिया। हालांकि व्यवस्थाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, तमाम तरह की चीजें प्रायोगिक होती है, और कौन सा प्रयोग कब काम आपके आ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए तमाम चीजें की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और राज्य की सरकारों को संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की बात पर झारखंड सरकार का कहना है कि अब राज्य में संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति से इनकार किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकारों को संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर झारखंड सरकार के तरफ से राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण का दर धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे में राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात की जरूरत है कि मौजूदा हालात में कुछ और कड़ाई करते हुए भीड़ को कम किया जाए। केंद्र को मिल करके तय कर सकते हैं कि भैया आप लॉकडाउन कितना अवधि के लिए और किस रीत से करेंगे। अगर ऐसा होता तो केंद्र सरकार को आदेश दिया जाता कि आप लॉकडाउन कर दीजिए जो पिछले कोरोना काल में किए थे। तो इस ये हो गया कि स्टेट को फ्रीडम दिया गया, लिबर्टी दी गई है, और जब स्टेट को लिबर्टी है उसी को डिस्कस कर लीजिए और तब लगाइए, यही कहा गया है इसमें, जो हमारे मेरी समझ में आया। वही राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति से इनकार किया है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि अभी जो मिनी लॉकडाउन सरकार ने लगाया है वो कारगर साबित हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि दोपहर 2 बजे के बाद राज्य लगभग लॉक हो जा रहा है, इसलिए कांग्रेस जीवन और जीविका दोनों की पक्षधर है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रयास को सराहा गया है सभी जगह। तालमेल के साथ केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। राज्य सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के हर आदेश को अक्षरशः माना है, इसमें कहां इनकार है। ICMR की गाइडलाइन को माना है, MHA की गाइडलाइंस को माना है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद सरकार और सरकार में शामिल दलों ने फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है और इस बात पर जोर दिया है कि जीवन और जीविका दोनों चले, इसलिए फिलहाल झारखंड के सरकार की तरफ से राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की उम्मीद ना के बराबर हो गई है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर आप करें विचार,
लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन को कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है इनकार, और तमाम सरकारों की ओर से भी क्या कुछ किया जा रहा है, ये बातें अपने आप सामने आते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति बदलते जाएगी वैसे वैसे चीजें जो है हालात बदलेंगे और वैसे वैसे फैसले भी बदलते जाते हैं। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि लॉकडाउन ना लगे। कांग्रेस के पास भी एक वक्त आएगा कि जब शायद उसे मानना पड़ेगा कि फिलहाल जीवन और जीविका दोनों जरूरी है। और अब चलिए हम रुख कर लेते हैं हमारे दो नए सहयोगियों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हैं और धनबाद से अरुण बणवाल जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब प्रभात का रुख कर लेते हैं क्योंकि रांची के बाद जमशेदपुर एक एपी सेंटर है, जैसे देश में महाराष्ट्र या मुंबई कह ले और दिल्ली, ठीक उसी तरह से झारखंड के लिए राजधानी रांची और जमशेदपुर के हालात वैसे ही बिल्कुल दोनों उसी तरीके से हैं। जमशेदपुर में अगर जैसे कि आज हमने एक रिपोर्ट भी देखी है, जो रिपोर्ट भेजी है अरुण जी ने धनबाद से प्रभात, कि ज्यादातर लोगों का ये माना है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, जमशेदपुर की जनता की डिमांड क्या है, मांग क्या है, जीवन जीविका साथ चलते रहे और जो मौजूदा व्यवस्था है मिनी लॉकडाउन का वो रहे या फिर संपूर्ण लॉकडाउन रहे। बिल्कुल पंकज, देखिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन पहले जब हम लोगों ने चेंबर के अध्यक्ष से बातचीत की थी तो उसी समय उन लोगों ने कहा था, साफ तौर पे कहा था कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, चूँकि जो हालात बने हैं पूरे राज्य के उसमें लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, बिना लॉकडाउन का ये चैन को हम तोड़ नहीं पाएंगे, चेंबर का ये है। उसके बाद कई राजनीतिक दलों से, कई सामाजिक संगठनों से हमने बातचीत की, उनकी खबरें भी भेजी थी, उनका साफ ये कहना है कि जो स्थिति बन रही है उसमें लॉकडाउन ही एक विकल्प है, चूंकि जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पचार चुका है और अब गली मोहल्ले तक पहुंच गया, खासकर शहरी क्षेत्र में। राज्य की सरकार अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रही है, राज्य के मुख्यमंत्री हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पिछले दिनों ऑक्सीजन बेड बढ़ाई गई थी, हर एक जिलों में अलग 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 जो हॉस्पिटल है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाने की भी बात की गई थी। उसके बाद कोरोना सर्किट भी बनाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर मान लीजिए एक शहर में अगर एक जिले में अगर बेड उपलब्ध नहीं है तो उसे दूसरे जिले में बेड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा पंकज, जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े और मौत के आंकड़े तो सबसे ज्यादा डरावने हैं, खासकर अगर रांची और जमशेदपुर में बोले कि हर दिन 10 के ऊपर मौतें हो रही हैं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जो शहरी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है, टाटा मेन हॉस्पिटल या टाटा मोटर्स बोले या MGM बोले, जो भी अस्पताल है सारे फुल चल रहे हैं, अब ऑक्सीजन बेड भी नहीं मिल रहा है, अब समझा जा सकता है। हालांकि कई ऐसे राजनीतिक संगठन है, कई ऐसे लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को अब ऑक्सीजन की व्यवस्था तो हो जा रही है, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ रहा है जो गंभीर रूप से बीमार है उन्हें, वेंटिलेटर और ICU की। क्योंकि TMH ही एक हॉस्पिटल है और टाटा मोटर्स ही दो अस्पताल है जो शहरी क्षेत्र में, जिसके पास ICU बेड की उपलब्धता है और वेंटिलेशन है। अगर हम सदर अस्पताल की बात करें, मेडिका की बात करें या फिर MGM अस्पताल की बात करें, इन अस्पतालों में वेंटिलेशन नहीं है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो वेंटिलेशन, जो ज्यादा गंभीर हो जा रहे हैं मरीज उन्हें वेंटिलेशन की जरूरत है। गैस तो उपलब्ध हो जा रहा है क्योंकि गैस कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी, जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उन्हें गैस मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री अपने से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कल एक बैठक भी है, निश्चित है कि इस बैठक में आने वाले दिनों में के लिए क्या रूपरेखा होगा, कैसा गाइडलाइन होगा, उसको तैयार किया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल जमशेदपुर की स्थिति है कि समीक्षा करें, इसका मतलब यही है कि उन्हें लक्ष्य दे दिया जाएगा, मतलब संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन फिर भी अंतिम फैसला तो सरकारों को लेना है, या तो केंद्र सरकार को लेना है या फिर राज्य सरकारों को लेना है। हम रुख करते हैं धनबाद का। अरुण जी, आपके जरिए हमने ये तो जाना है कि ज्यादातर जनता जो कोयलांचल की वो लॉकडाउन की मांग कर रही है, संपूर्ण लॉकडाउन चाहती है, तो इसमें शहरी, ग्रामीण या किस वर्ग के लोगों की बात करें, क्या हर वर्ग के लोगों का ही ये कहना है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए या फिर अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं अलग अलग उनके विचार सामने आए आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो? देखिए पंकज, जब हम लोगों ने आज धनबाद के कुछ लोगों से बात की जो करीब करीब सभी वर्गों के लोग थे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन शहरी क्षेत्र में अमूमन सभी लोगों का मानना है और कहें तो एक तरह से भय लोगों में समा गया है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या तो धनबाद में लोग इन दिनों कम मिल रही है, लेकिन जो डेथ का आंकड़ा है, मृतकों की जो संख्या है, ग्राफ है,
वो बराबर एक समान है और जहां तक कहते हैं वो ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोगों में अब खौफ समा गया है और लोग चाह रहे हैं कि जब तक सख्त नहीं संकेत सरकार नहीं देगी, लॉकडाउन नहीं लगाएगी, तब तक इसके चेन को तोड़ना बहुत कठिन है। तो लोग ये मान रहे हैं धनबाद में। और जहाँ तक आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही, तो देखिए जो मौत का जो ग्राफ है, जो संक्रमितों की संख्या है, वो जिले के हर एक कोने में अब अपना घर बना चुका है। और चाहे वो सुदूर ग्रामीण इलाका हो, पिछले दिनों हम लोगों ने टुंडी में देखा था लगातार मौतें हो रही थी, टेस्ट में कई संक्रमित मिले थे, या फिर तोपचाची का मामला हो, या फिर उधर गोमो का मामला हो, निरसा साइड का मामला हो, सभी साइड कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है जहां से संक्रमितों की संख्या के सूचना नहीं मिल रही है और मरने वालों की संख्या पता नहीं चल पा रहा है। तो लोगों में धीरे धीरे खौफ हो गया है। और लोग जब आज सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप राज्यों के साथ समन्वय बिठा कर इस संदर्भ में सोचे विचार करें, और जिस पर इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी अपनी सहमति जताई है, तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि एक बार कंप्लीट लॉकडाउन लगे ताकि जो ये चेन है टूटे। क्योंकि अभी जो वर्तमान सिचुएशन है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, इसमें राज्य सरकार ने जीवन और जीविका का तो सोचा, लेकिन अब वो जिंदगी बचाना बहुत कठिन लोगों को लग रहा है। और इसके लिए सबसे पहले वो आवागमन को ठप करने की मांग कर रहे हैं, जो यातायात के जो परिवहन जो चल रहे हैं, ऑटो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, तो जब तक उनके चक्के नहीं थमेंगे तब तक लोगों का बेमतलब फालतू के जो इधर उधर घूमते हैं उन पे रोक नहीं लगेगा, और वैसी स्थिति में चेन को तोड़ना बहुत कठिन होगा। तो इसी अपेक्षा में लोग चाह रहे हैं कि धनबाद के पूरे राज्य में कम से कम एक बार कम्प्लीट लॉकडाउन लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण, तो अपने अपने विचार सबके हैं, तो हर आदमी का एक अपना विचार होता है। तो प्रभात के पास चलते हैं। जिस तरीके से धनबाद के लोग चाहते हैं प्रभात कि लॉकडाउन लग ही जाए, लेकिन इस दौरान हम कई चीज़ों को देख कर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टेस्टिंग की बात करते हैं, तो टेस्टिंग बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो ट्रेनों से चलते हैं। एक विचार मेरे मन में आया है कि आखिर हम जब टेस्ट को लेकर हम गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब पूरा का पूरा फोकस सिस्टम का ऐसा लग रहा है कि हम बस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड बढ़ाने, या फिर आप कहें कि ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की भरपाई करने में जुट गए हैं, रेमडेसिविर जुट गए, दवाओं की काला बाजारी में इसमें जुट गए, लेकिन एक जो सबसे अहम है वो टेस्ट पर हम फोकस अपना हम गंवा बैठे, यानी कि उससे थोड़ा हट गए हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाए कि जब कहीं से कोई ट्रेन या कोई बस या कुछ भी चले, तो रास्ते में जब ट्रेवलिंग के दौरान बहुत वक्त होता है, तो वहाँ उन रास्तों में ही वो सब कुछ हो जाए, टेस्टिंग हो जाए, ताकि जब स्टेशन पे लोग उतरे तो कम से कम वहाँ पर इंतज़ार ना करना पड़े, और जो अधैर्य ना हो जाए, वो लोग धैर्य अपना खोने ना लग जाए, क्यों ऐसी व्यवस्था भी तो हो रही, ऐसी कुछ व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से या किसी तरीके से हो सकती क्या? बिल्कुल, देखिए पंकज, अगर हम 2020 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, महामारी आए, तो उस समय भी देखिए, उस समय एक SOP जारी हुआ था कि जो भी व्यक्ति को अगर अपने राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो उससे पहले कोविड टेस्ट करा के उसके सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा, तभी उसको ट्रैवल करने का इजाजत दिया जा रहा था। ये चीज़ इस बार नहीं हो रही है। ये भी कारण हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि ट्रेनों में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको टेस्टिंग उसी रास्ते में कर लिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे अगर ये सुविधा उपलब्ध भी कराता तो ट्रेन के बोगियों में इस तरह का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है पंकज। लेकिन रेलवे स्टेशन में हम ये कहेंगे, जमशेदपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ टेस्टिंग की जाती है, जो भी मुंबई से या बिहार से आने वाले, चाहे अहमदाबाद से, जो भी बाहर से ट्रेन आ रही है जमशेदपुर में लोग उतरते हैं, तो उसकी टेस्टिंग रेट के द्वारा की जाती है। उससे अगर किसी कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल आइसोलेशन में रहने के लिए सलाह दी जाती है। मेरा कंसर्न ये प्रभाव ज्यादा लगता है कि गंभीर, कि सिर्फ आने वाले का हो रहा है, ऐसा क्यों ना हो जाए कि जाने वाले का भी शुरू हो जाए ना, ताकि दबाव कम रहे जांच करने वालों पर। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, ये होनी चाहिए। देखिए, मैं इसीलिए पिछले साल का जिक्र किया, पिछले साल अगर आपको कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो कोविड टेस्ट के सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, तभी आपको ट्रैवल करने की इजाज़त दी जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे को या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को तय कर देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति यहां से बाहर जा रहा है तो रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी टेस्ट होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी ट्रेन में चढ़ने की, अगर नेगेटिव है तभी जाके इजाज़त दी जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा था टेस्टिंग को लेकर कि क्या टेस्टिंग के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में लोग अब टेस्टिंग की ओर ज़्यादा जा रहे हैं,
जो प्राइवेट टेस्टिंग है आरटीपीसीआर टेस्टिंग और उस पर लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा आज बहुत पैमाने पर टेस्टिंग कैंप लगाया गया था जगह जगह स्कूलों में चौक चौराहों पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके और ये बातें सामने आए कि कितने लोग संक्रमित है या जो लोग संक्रमित है तो उसको किस तरीके से व्यवस्था की जाए, उनकी देख रेख की जाए, उनको घर में रखने लायक है तो घर पर रखा जाए, अगर हॉस्पिटल भेजना है तो हॉस्पिटल भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात पंकज, अगर 8 बजे से ये जो चल रहा है विशेष हमारा इस केंद्र सरकार का जो के ऊपर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ा, तो सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कह रहा है, क्यों नहीं आप इस और भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। एक बात आपने ये भी कहा था कि लॉकडाउन लगने से जो जो स्थितियां उत्पन्न होगी खाने पीने की या अन्य चीज़ों की, तो ये हम बता दें कि देखिए 2-3 दिनों से ये बातें सामने आ रही है, जिस तरीके से ये बाजारों में चर्चा हो रहा था कि जो 4 राज्यों के चुनाव है उसके परिणाम आने के बाद हो सकते हैं सरकार केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाए, लोग ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड है पंकज कि लॉकडाउन लगेगा तो हम अपने आप को सेव करेंगे। झारखंड में भी लॉकडाउन जो पिछले साल लगा था, बिल्कुल पिछली बार लोग जब लोगों को लगा था कि देखिए 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 पंकज मैं बताना चाहता हूँ जी, देखिए राज्य सरकार पिछले बार जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था तो राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी किचन की शुरुआत की थी, उस समय वो बहुत कारगर साबित हुआ था, चूंकि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें मुफ्त में पका राशन दिया बनाकर खिलाया जा रहा था, जो अर्बन एरिया की जो बस्ती एरियो में जो नदी किनारे के एरिया में लोग रहते हैं जो डेली कमाने जाते हैं डेली खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ था राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये दीदी किचन, क्यों ना इस तरीके से फिर से चालू किया जाएगा। अगर लॉकडाउन लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया जाता है, तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे जो मीडियम क्लास है या फिर हाई क्लास है लोग अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, तो क्यों ना राज्य सरकार इस किचन को फिर से चालू करे, ताकि अगर लॉकडाउन होता भी है तो कम से कम उन लोगों के पास हम 3 दिन हो गई है। अरुण जी आपने कहा कि जनता तो वहां चाहती है, जिला प्रशासन क्या मेंटली प्रिपेयर है इस बात को लेकर, किसी से बातचीत? देखिए ऑफिशियली तो कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी ये बात को नहीं कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर अंदर उनके जो ऑब्जा कैमरा है या अनऑफिशियल रूप से सभी ये अब समझने लगे हैं कि जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा तब तक इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैसी स्थिति में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो लोगों का जो निकलना है पूरी तरह बंद हो जाएगा, तो लोग जो भी सरकारी तंत्र है या अस्पताल हैं उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, इस दरमियान जो अनावश्यक जो भीड़ जो सड़कों पर कंट्रोल करने के लिए पूरा तंत्र एक एजेंसी लगी रहती है, चाहे वो प्रशासनिक टीम हो या फिर दूसरे, और तो उनको वो पूरा फोकस हो जाएगा कोविड को लेकर ही, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, मैन पावर को उधर यूटिलाइज किया जाएगा, तो जिसके कारण जो जांच का जो दायरा है जो ग्राफ है वो जांच जो है वो बढ़ेगी, और वैसी स्थिति में लोग को कोरोना को चेक करने में या उसको नियंत्रित करने में बहुत सहूलियत होगी। तो लोग ये चाह रहे हैं, अधिकारी भी चाह रहे हैं, कई वरीय अधिकारियों से हमारी बात भी हुई, वो भी इशारों में चाह रहे हैं कि अब लॉकडाउन ही इसका विकल्प है, इसको इस चेन को तोड़ने के लिए, अन्यथा प्रतिदिन जो लोगों के मरने की संख्या बढ़ेगी, सूचना आएगी, संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, बेड के लिए लोग इधर उधर मारे मारे फिरेंगे और बेड मिलेगा नहीं, तो ये इन सभी समस्याओं से पंकज कहें तो बचने के लिए ये धनबाद के साथ साथ लोगों का, ये धनबाद के लोगों के साथ साथ जो वरीय अधिकारी हैं उनका भी यानी कि प्लान भी कहीं ना कहीं अमदर खान सरकार की ओर से भी जिला स्तर पर भी ये तैयारियां चल रही होंगी, और इसीलिए शायद अगर इस पर विचार किया जाता है तो हम इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में यदि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ेंगे, हालांकि जीवन जीविका अब चल रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये दूसरा चरण है, अगर इसमें स्थिति में थोड़ी सुधार आ जाती है 6 मई के बाद से समीक्षा की जाएगी तो शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन स्थिति अगर बिगड़ते रही और हालात खराब होते रहे तो शायद सरकारों को, सिर्फ झारखंड ही नहीं तमाम राज्य सरकारों को या हो सकता केंद्र को भी कहीं लॉकडाउन करना ना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे दोनों सहयोगियों को चाहे प्रभात हो जाए या धनबाद से अरुण जी हो जाए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम हालात से रूबरू कराया दर्शकों को धनबाद के और जमशेदपुर में कि आखिर हालात क्या है और स्थिति क्या है, और इस बुलेटिन में स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार।